प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचय द्वितीयः, यानी शब्दों का परिचय दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग उस पाठ में हमने देखा था। इस पाठ में स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आप। इस पाठ में क्या होता है, स्त्रीलिंग में ही एतत् शब्द है और तत् शब्द भी स्त्रीलिंग में ही है और किम शब्द भी स्त्रीलिंग में है और धातु रूप सेम चलते हैं तीनों लिंगों में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल लकार का परिवर्तन होता है जो आगे आप पढ़ेंगे। देखिए, एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में अर्थ तो वही होता है, यह है, यानी दिश, इसका अर्थ होता है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में तीनों रूप बनते हैं, तो एषा इसका प्रथमा का एक वचन है और अर्थ यह होता है। एते ये दोनों, एताहा ये सब, अर्थ वही है जैसा पुल्लिंग में है, केवल इन शब्दों के रूप बदले हैं। वहां पर एषः था तो यहाँ एषा हो गया, एते एताहा। इसी तरह से तत्शब्द का भी हुआ है, सा ते ताहा, अर्थ वही है। फिर किम शब्द का भी स्त्रीलिंग में का के काहा, और पठ धातु रूप का मैंने एक सैंपल के रूप में आपको दिया है, पढ़ती पढ़ते पठंती, लिखती लिखते लिखंती, हंसती हंसते हंसंती, इस तरह से आप रूप इसके बना सकते हैं। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। एषा का, ये जो चित्र में दिया हुआ है उसके बारे में पूछा गया है, यह है क्या है, तो उत्तर आता है इसका एषा दोला, यह है दोला है, यानी झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ पर है, कुत्र यानी कहाँ, शब्दार्थ आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, तो पहले आप देख लें तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति, उपवने यानी बगीचा, पार्क। फिर सा का, ये तत्शब्द का आ गया, सा वह क्या है, सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, क्या इंडिकेट करती है, घटिका समयम सूचयति, घटिका समय बताती है। फिर द्विवचन में एतत् शब्द का देखिए, एते के ये दोनों क्या है, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है, न एते चटके, ये दोनों चिड़िया है। चटके किम कुरुता है, चिड़िया क्या कर रही है, एते विहरता है, ये फुदक रही है, घूम रही है। इस तरह से ये तीन पैराग्राफ पूरे हुए, बाकी के तीन अब देखिए आगे। ते के, वे दोनों कौन हैं, ते चाली के स्तः, वो चालक हैं, महिला ड्राइवर हैं, ये जो ड्राइवर है ना इन बीच में गाड़ियों में, उनके लिए कहा गया है ये ड्राइवर हैं। किम ते, ते किम कुरुता है, वे क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालियत है। एताह काहा, ये सब क्या है, एताह स्थालिकाहा, स्थालिका यानी थालियां। किम एताह गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार हैं, आम हाँ, एताह गोलाकारा एव, ये सब गोलाकार ही हैं, एव यानी ही। फिर ताह काहा, वे सब क्या है, ताह अजाहा, वे बकरियां हैं, गोट्स हैं। ताह किम कुर्वन्ती, वे सब क्या कर रही हैं, ताह चरंती, वो चर रही हैं। इसके बाद देखिए शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ आप पाठ को शुरू करने से पहले देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। छात्राः, क्या बोलना है, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। देखिए छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका,
पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, इन शब्दों का आप बार बार उच्चारण करें। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में भी चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देख करके इनका उच्चारण करना है। तो ये सुई है तो सूची का नीडल, पिपील का चींटी, कुंचिका चाबी दिख रही है, कुंचिका, साइकिल द्विचक्रिका, साइकिल को क्या बोला द्विचक्रिका, ये डेस्क है, बेंच सॉरी टेबल है तो उत्पीटिका, मक्खी के लिए मक्षिका, अग्निपेटिका माचिस के लिए, मापिका स्केल के लिए मापिका, वीणा ये वीणा है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्ण संयोजन करके शब्द को कोष्टक में लिखना है, जैसा आपने पहले पाठ में किया था वैसे ही है। जैसे क और ऊ को मिलाया तो कु बना, र और ऊ को मिलाया तो रू बना, त और अह को मिलाया तो तह बना, तो कुरु तह यहाँ बॉक्स में आपको लिखना है। बाकी शब्दों को भी जैसे उ द या आ न ए तो उद्याने बनेगा यहाँ पर, तो उद्याने को यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले पहला जो उदाहरण है उसको मैं बोर्ड इसमें बॉक्स में लिख देता हूँ, उद्याने, उद्याने, फिर से लिखता हूँ, इस तरह से लिखना है आप। यह ये जो दे बनता है इसको आप द और ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप जोड़ करके नहीं लिखना चाहते। फिर देखिए अगला है, अदस और थ और आ, स्था ल ई क आ, स्थालिका, तो यहाँ पर आपको स्थालिका लिखना है। चलो मैं बॉक्स में लिख देता हूँ स्थालिका। था लिखा बस। आगे है घ ट ई क आ, क्या बनेगा घटिका, तो घटिका लिख दीजिए यहाँ पर बस। फिर आगे है स्त्रीलिंग है, आदस है त में र मिलाया तो त्र बन गया और ई स्त्री बन गया, फिर ल में ई मिलाया तो ली ग, गह ग में अ मिलाया तो गह, तो मैं लिख देता हूँ वर्ड इसमें बॉक्स में स्त्रीलिंग है। ऐसा आपको लिखना है। फिर चलिए आगे, मैं आ माँ हो गया, प ई पी हो गया, क आ का हो गया, तो माँ पी का बनाना है आपको, तो माँ पी का यहाँ बॉक्स में लिखना है। इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न का कह भाग पूरा होता है। चलिए आगे चलते हैं ख भाग में। ख भाग में देखिए ये शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको करना है, ये शब्द दिए हुए हैं इनको वर्ण विच्छेद करके आपको लिखना है। तो चलिए पहले चटके का करते हैं हम, तो चटके में च आधा है प्लस च के अंदर अ है, फिर ट आधा है ट के अंदर अ है, और फिर क है क के अंदर भी ए है, ए। फिर चलिए आगे, और ये क जो है वो आधा है
अगला है धाविका, तो धाविका का लिख देते हैं, दह आधा रहेगा, दह के अंदर आ की मात्रा है तो धा बन गया आ, फिर व आधा रहेगा, फिर छोटी की मात्रा, फिर क रहेगा, फिर आ रहेगा इस तरह से। फिर देखिए कुंचिका, कुंचिका का देखिए क आधा, फिर उ की मात्रा ये आ जाएगा, फिर च आ जाएगा, फिर च के अंदर छोटी की मात्रा है, फिर क आधा हो जाएगा, फिर आ जाएगा कुंचिका इस तरह से। फिर देखिए आगे खटवा, खटवा का करते हैं ख आधा कर दिया, ख के अंदर अ है, फिर ट आधा है, फिर व है, व के अंदर आ की मात्रा तो आ बन गया खटवा। फिर देखिए छुरी का, तो छ आधा कर दीजिए, छोटा ऊ है, र है और छोटी ई है, फिर क है और आ है इस तरह से। आपको ये दूसरा प्रश्न पूरा करना है। फिर चलिए चित्रों के नीचे आपको नाम लिखना है क्या क्या है ये, तो ये आपका उत्पीठिका है, उत्पीठिका, उत्पीठिका। फिर ये तय है। फिर चलिए पेटिका, ये नौका, ये चटका है, महिला है या वृद्धा भी लिख सकते हैं आप, और ये मापिका है स्केल। फिर अगला प्रश्न देखिए वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत्, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कर देते हैं उदाहरण दिया हुआ, देखो लता लते लताहा, तो गीता का क्या बनेगा, गीते द्विवचन में, और बहुवचन में क्या बन जाएगा, गीताहा। फिर पेटिके दिया हुआ है तो पेटिका यहाँ पर लिख दीजिए आप, पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा, पेटिकाहा। चलिए आगे फिर चलते हैं। यहाँ देखिए खटवा दिया हुआ है, एक वचन में खटवा लिखेंगे आप, खटवा। फिर इधर खटवे, खटवे, खटवा। हाँ फिर देखिए सा, तो ये सर्वनाम शब्द है, सा ते ताहा, जो आपको पाठ के शुरू में मैंने बताया था। फिर देखिए रोटी के आया है, तो रोटी का यहाँ आपको लिखना है, रोटी का, रोटी के, रोटी का, हाँ रोटी का, हाँ इस तरह से। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरी है, कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर के वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए बालिका पठती, बालिका एक वचन है, पठती भी एक वचन है, जो मैंने आपको बताया था, देख लीजिए फिर से मैं बता देता हूँ। एक वचन का अगर सब्जेक्ट है, ये जो शब्द है एक वचन का आता है, तो आपको धातु रूप या क्रिया शब्द भी एक वचन का लिखना है। अगर द्विवचन का आता है तो द्विवचन का लिखना है, बहुवचन का आता है तो बहुवचन का लिखना है। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी आपको, आपको ये नियम फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए चरता है, ये द्विवचन में है, पठती पठता है होता है, पठंती पठती पठता पठंती होता है, देख लीजिए पठती पठता पठंती, तो ये यहाँ पर चरता है दिया है, तो द्विवचन का हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अजय, द्विवचन में अजय होता है। संति बहुवचन है, द्विचक्री का, हाँ। चलती एक वचन है तो नौका।
अस्ति एक वचन है तो सूचिका, उत्पतंति बहुवचन है तो मक्षिका। इस तरह से आपको इनको खालिस्तान में लिखना है यहाँ पर। अगला देखिए सा, ये है सा ते ताहा इत्ते ते भे उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ से उचित सर्वनाम शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान बनने हैं सा ते ता में से, इन तीनों में से, इन तीनों का प्रयोग आपको खाली स्थान में करना है। तो लता अस्ति एक वचन है तो सा अस्ति, महिला बहुवचन है तो ताहा, फिर सुधा वदति, सुधा एक वचन है तो सा जाएगा, फिर जवनी के दो द्विवचन है यानी पर्दे हिल रहे हैं तो द्विवचन में तो ते आ जाएगा, फिर पिपीलिका बहुवचन है तो ताहा जाएगा, चटके द्विवचन है तो ते हो जाएगा। ये आपको करना है। चलिए तो इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं हम। सातवें प्रश्न में मंजूषात है क्रिया पदम चित्वा रिक्त स्थान, क्रिया शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए संति बहुवचन है तो पुष्पमाला संति, एक नंबर यहाँ डाल दो। पश्यति बालक एक वचन है तो बालक है पश्यति, यहाँ दो डाल दो। लिखति तो लेखिका लिखति, यहाँ तीन डाल दीजिए। गर्जन्ति शेर गरजते हैं तो चार यहाँ डाल दीजिए, आपको यहाँ लिखना है। चलती ये पांच, तो ये जो नंबर डाले हैं उनको क्रम से आपको यहाँ खाली स्थानों में लिख देना है। जैसे पुष्पमाला संति, बालक पश्यति, लेखिका लिखती, सिंगा गर्जंती, त्रिचक्री का चलती, इस तरह से। फिर आठवां प्रश्न देखिए मंजूषा है क्रिया कर्तृपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो क्रियापदों को चुनकर के रिक्त स्थान भरना है। सौम्या नृत्यति एक लिख दीजिए यहाँ पर, सौम्या को यहाँ लिखना है, नृत्यति को। चटके गायता है या विहरता है, दोनों है तो चटके विहरता है आ जाएगा यहाँ, इसके दो नंबर डाल दीजिए। बालिके ये भी द्विवचन है तो गायता है, गाती हैं, तो इनको तीसरे में गायता है लिखना है। छात्राहा लिखंती, इसमें चार नंबर पे आपको यहाँ लिखना है लिखंती को। जनाहा पश्यंती, तो यहाँ आपको पश्यंती लिखना है। तो इस प्रकार से ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद, शुभ दिनम।